तो दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कैसे ग्रैनी और इविलन मेरी जान के पीछे पड़े थे और मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैं कैसे तैसे करके वहां से अपनी जान बचा के भाग निकला और एवेंजर्स को फोन करने की कोशिश करने लग गया, पर मेरा फोन कहीं उठा ही नहीं रहा था क्योंकि सारे एवेंजर्स उस टाइम सो रहे थे। पर अचानक से पता नहीं कैसे ग्रैनी और इविलन मेरे पीछे करते करते मेरे पास आ गए और फिर उस पागल इविलन ने मुझ पर पीछे से हमला करके मुझे बेहोश कर दिया। और उसी वक्त वहां पर सही टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज मेरी जान बचाने के लिए आ गए। उन्होंने इविलन की पिटाई करके मुझे बचा लिया, पर असल में इविलन मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। अब आगे उस डॉक्टर स्ट्रेंज को क्या लगा कि ये इविल नन मर चुके हैं। हाँ ये इविल नन कभी नहीं मर सकते। वो डॉक्टर स्ट्रेंज तो सच में बहुत ही बेवकूफ निकला। वो बिना चेक करे ही मुझे छोड़ के चला गया। उसे लगा कि मैं मर चुके हूँ पर मैं जिंदा हूँ। अभी मैं मजा चखाऊंगी उस डॉक्टर स्ट्रेंज को, बड़ा ही मजा आ जाएगा। अरे वो कौन है? लगता है कि ये ग्रैनी है। हाँ क्या हुआ ग्रैनी, उस वक्त उस डॉक्टर स्ट्रेंज से डर कर क्यों भागी थी तुम? अरे इविलन क्या तुम जिंदा हो? तुम्हें क्या लगता है? हाँ मुझे लगा था कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज तुम्हें मार ही डालेगा। तुम बहुत ही किस्मत वाली हो इविलन, उस गधे के बच्चे ने तुम्हें हेल में नहीं भेजा। मैं उस डॉक्टर स्ट्रेंज से नहीं डरती, मैं नहीं बल्कि वो किस्मत वाला था कि वो मुझसे बचकर चला गया। तुम उस डॉक्टर स्ट्रेंज को कम मत समझना इविलन, वो बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें चुटकियों में ही हरा सकता है। इस बात का तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि तुम मुझे उस डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने मुझे छोड़ के भाग गई थी। इस बात की सजा तो तुम्हें मिल के ही रहेगी ग्रैनी, तुम अब नहीं बचने वाली। अरे वो तो मैं डर गई थी इविलन, मुझे लगा कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे वापस शहर में भेज देगा। प्लीज मुझे माफ कर दो इविलन, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आइंदा से तुम्हें छोड़ के नहीं भागूंगी। प्रॉमिस करने के लिए तुम अगली बार बचोगी तब ना। और ये मेरी शैतानी शक्ति एक्टिवेट हो जाए, आबरा कडाबरा। मैं बन गई हूँ गोस्ट इविलन। अब तुम नहीं बचोगी ग्रैनी। ये तुम्हें क्या हो गया, तुम घोस्ट राइडर जैसे क्यों बन गई? तुम्हें क्या लगता है कि घोस्ट राइडर को किसने ट्रेनिंग दी होगी? क्या कहा, मतलब तुम घोस्ट राइडर के टीचर हो? हाँ ग्रैनी, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। नहीं नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। ये विलन किसी को भी माफ नहीं करती। तुम भी मरोगी। ये तुमने क्या कर दिया, मैं मर रही हूँ, मैं मर रही हूँ, मेरा मुंह चल रहा है, मर गई। देख लिया मुझे धोखा देने का नतीजा। हाँ अब तुम भी मर गई ग्रैनी। मजे करना हेल में। वैसे दोस्तों अगर आप चाहते हो कि जो हाल ग्रैनी का हुआ वो हाल हमारे फ्रैंकलिन और डॉक्टर स्ट्रेंज का ना हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, और कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है कि ये इविलन डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाएगी। हाँ चलिए देखते हैं। अब मैं चलती हूँ उस डॉक्टर स्ट्रेंज को मजा चकाने। आ जा मेरी प्यारी बाइक, कहाँ है तू? आ गई, बड़ा ही इंतजार करवाया तूने। अब चलो चलते हैं उस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। उस गधे के बच्चे ने मुझे पीट कर ठीक नहीं किया, अब मैं इस बात का बदला उससे लेकर ही रहूंगी। उसे क्या लगा कि इविलन को हराना बहुत ही आसान होगा? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज अब नहीं बचेगा, वो अब मेरे हाथों मरेगा। तुम बस रुक जाओ डॉक्टर स्ट्रेंज, और फ्रैंकलिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने के लिए। अब तुम्हारी मौत नजदीक है, मैं आ रही हूँ। ओके तुम कैसे तैसे करके उस ग्रैनी और इविलन से बच के तो आ गए। थैंक गॉड डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे बचाने सही सलामत आ गए, वरना वो ग्रैनी और इविलन तो मुझे मार ही डालते। अरे फ्रैंकलिन कितनी बार कहूँ यार, मुझे थैंक्स मत बोलो। हाँ ओके ओके डॉक्टर स्ट्रेंज, पर मुझे अभी भी बहुत ही चक्कर आ रही है यार, मेरा सर अभी भी गोल गोल घूम रहा है। उस इविलन ने मुझे बहुत ही मारा था और उस ग्रैनी ने भी। पर तुम चिंता मत करो फ्रैंकलिन, वो इविलन और ग्रैनी अब तुम्हें परेशान करने कभी नहीं आएंगे, उन्हें तो मैंने बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मैं जानता हूँ, पर आपको पूरा यकीन है ना कि वो इविलन मर गई थी? हाँ मैंने चेक तो किया था, वो मरी गई थी शायद। अरे शायद क्यों बोल रहे हो, मतलब आपको पूरा यकीन नहीं है कि वो इविलन मर चुकी है? नहीं पूरा यकीन तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत मरी गई होगी। अरे थोड़ा बहुत क्या होता है, वो मरनी चाहिए इविलन, वरना अगर वो जिंदा होगी तो हमारे पीछे वापस आएगी हमसे बदला लेने के लिए।
अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो फ्रैंकलिन, अगर वो वापस आ भी गई तो भी मुझे सबक सिखा दूंगा। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, मुझे अभी पूरा यकीन है, पर अभी हमें जल्द से जल्द घर जाना होगा, वही हम सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे। और मुझे चक्कर आ रही है, मुझे सोना भी है, घर पे जाके ओके आराम आराम से। अरे फ्रैंकलिन तुम बस आराम करो, मैं अभी अपने जादू शक्ति से एक पोर्टल खोलता हूँ, उससे हम लोग जल्दी घर पहुँच जाएंगे। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज प्लीज जल्दी कीजिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा। जैसा तुम कहो फ्रैंकलिन, और ये अब्राकडाब्रा। तो क्या तुमने मुझे मिस किया डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आई गई। अरे ये छुट्टियां जिंदा निकली, बाप रे। तुम्हें क्या लगा मैं मर गई थी, तुमने मुझे वहाँ जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम दोनों मरोगे फ्रैंकलिन और डॉक्टर स्ट्रेंज। अरे बाप रे, मैंने कहा था ना डॉक्टर स्ट्रेंज की विलन जिंदा होगी, अभी हम मरेंगे, अभी हम पक्का मरेंगे। अरे तुम डरो मत फ्रैंकलिन, मैं हूँ ना, इस चुड़ैल से क्या डरना है। तुमने चुड़ैल किसको कहा, तुझे और किसे है। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज इसे चुड़ैल कहना बंद कीजिए, वो हमको छोड़ेगी नहीं। अरे डरो मत फ्रैंकलिन, मैं हूँ ना, ये डॉक्टर स्ट्रेंज पक्का मुझे मरवाएंगे। तुम दोनों को तो मैं अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे यार ये अचानक से बर्फ कैसे गिरने लग गई। थोड़ा मौसम चेंज हो गया होगा फ्रैंकलिन। हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, हमें छाता लेकर आना चाहिए था। अरे पर स्नोफॉल में छाता क्यों, बारिश थोड़ी हो रही है। अरे पर स्नो तो पे गिरेगी ना। हाँ हाँ वो भी है। अरे तुम दोनों मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, इविलन भी यहाँ पर है। बुढ़िया कहेगी है। मैं बुढ़ी नहीं हूँ, शक्ल देख के तो यही लगता है फ्रैंकलिन। यार डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे क्या पूछ रहे हो, ये पक्का मुझे मरवाएंगे, मैं तो गया। अरे मैं तो मजाक कर रहा था फ्रैंकलिन। ये दोनों गधे के बच्चे तो मुझे सीरियसली ले ही नहीं रहे, अभी इन दोनों को दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ। अब तुम दोनों गए डॉक्टर स्ट्रेंज और फ्रैंकलिन, अभी दिखाती हूँ मेरा कमाल। अब्राकडाब्रा। मैं बन चुकी हूँ अब गोस्ट इविलन। अरे ये तो सेम टू सेम गोस्ट राइडर जैसे बन गई। गोस्ट राइडर मेरा ही चेला था फ्रैंकलिन। ये लो अब मर जाओ तुम भी। मुझे क्या हो रहा है, अरे मेरा सर चल रहा है, मेरा दिमाग चल रहा है, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर से चिल प्लीज कुछ, ये मैं मर गया यार। तेरी तो इविल नन, ये तूने क्या किया। ज्यादा कुछ नहीं किया, बस मैंने तुम्हारे दोस्त फ्रैंकलिन से उसकी आत्मा निकाल दी। तुमने ये ठीक नहीं किया, अब तुम बचोगे नहीं। देखते हैं कौन बचेगा और कौन नहीं। अब्राकडाब्रा, गीले गीले चो। अब तुम वापस से हेल में जाओगे इविल नन। सपने देखते रहो डॉक्टर स्ट्रेंज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसे कुछ हो ही नहीं रहा, ये पहली ऐसी चुड़ैल है जिसको कुछ असर ही नहीं हो रहा। और मुझे कभी असर होगा भी नहीं। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको दिखाना ही पड़ेगा। इससे पहले मैं ही दिखा देते हूँ तुम्हें। ये लो। तुमने तो ये क्या किया तुमने मेरे साथ। अरे मेरा सर जल रहा है, मेरी आत्मा जल रही है, ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तुम्हारी आत्मा मेरे हवाले हो गई, अब मैं तुम्हें इविल बनाऊंगी, बहुत ही इविल। क्या बात है, अब तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो डॉक्टर स्ट्रेंज, तुमने मुझे ये क्या बना दिया। अब तुम इविल डॉक्टर स्ट्रेंज बन चुके हो, तुम अब सिर्फ मेरी ही बात मानोगे, समझ में आया क्या। जैसा आप कहे इविल नन। अब जाओ इस शहर के सारे लोगों को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, सबकी आत्माएं छीन लो। आपकी आज्ञा सर आंखों पर इविल नन, मैं इस शहर के सारे लोगों की आत्माएं छीन लूंगा। मैं आ रहा हूँ लॉस सैंटोस के वासियों, अब तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कैसे हो मेरे दोस्त। प्लीज मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, प्लीज मुझे कुछ खाना दे दो। ये लो खाना। मेरे दिमाग के साथ तुमने क्या किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालू गई। अरे भागो भागो भागो। अरे ये डॉक्टर स्ट्रेंज आ गया, भागो भागो सबके सब भागो। मुझसे बचकर और कितना भागोगे लॉस सैंटोस के वासियों, तुम सब अब मरने वाले हो। क्या देख रहे बे, ये ले। तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो गोरे आदमी, ये ले मर जाए, मेरे को मार रहे हैं। मैं तुम लोगों को आपस में ही लड़वाते रहूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आ रहा हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उड़ जा हवा में। तू भी उड़ जा हवा में, तुम लोग भी उड़ जाओ। चलो उठे, इस शहर को मैं यहाँ से अच्छे से तबाह नहीं कर पाऊंगा, जरा ऊपर जाके देखता हूँ।
अब वक्त आ चुका है सबकी आत्माएं छीनने की। मैं किसी की भी आत्मा नहीं छोड़ूंगा, सबकी आत्माएं हड़प लूंगा। पर अब मैं स्टार्ट किससे करूं हाँ? पूरे शहर में बस लोग भरे पड़े हैं। चलो कोई नहीं, देखता हूँ, पहले किसी बिल्डिंग में उतर जाता हूँ। ये परफेक्ट रहेगी बिल्डिंग। उतर जाता हूँ यहीं पे। लगता है कि ये एक शूटिंग का सेट है। क्या बात है, चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है। पर मुझे क्या, अब बारी आ चुकी है मेरी आत्मा निकालने की। आबरा का डाबरा। निकाल दी मैंने मेरी आत्मा, अब कोई नहीं बचेगा। मैं आ रहा हूँ सबकी आत्माएं छीनने। हेलो मैडम, कहाँ जा रही हो, जरा अपनी आत्मा देखे जाओ। बाय बाय। तुमने मेरी आत्मा छीन ली, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जब जिंदा बचो तब बोलना। हेलो भाई साहब, क्या कर रहे हो हाँ बेटे बेटे, जरा अपनी आत्मा दे दो। मेरी आत्मा कैसे छीन ले, तूने मेरे आत्मा छीन गए रे बाबा। ऐसे ही करते करते मैं सबकी आत्मा छीन लूंगा। हेलो भाई साहब, तेरी आत्मा दे दे मुझे, तुम्हारी आत्मा भी दे दो, ये ले दे दे मुझे तेरी आत्मा। अरे टकले को तू कहाँ जा रहा, रुक जा, आत्मा दे दे मेरे को। मजा आ गया, तुम लोग नहीं बच पाओगे। जा जा आत्मा दे दे, तू भी आत्मा दे दे। सबकी आत्माएं छीन लूंगा मैं।